हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाहिद यूनिक वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे और बरसात के मौसम में सबके फेवरेट मिर्च के पकौड़े। मिर्च के पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने यहाँ पे 6 मिर्च ली है। इसको इस तरह से हम धोकर साफ़ कर लेंगे और इस तरह से हम चाकू से इसमें इस तरह से लंबा सा एक कट लगा देंगे। हम सारी मिर्च में पहले कट लगा लेते हैं। ये देखिए हमारी मिर्च इस तरह से कट करके रख लेते हैं पहले हम। ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 मिर्च ली हुई है। अब पहले हम इसे बॉईल कर लेंगे। एक पैन में हम मिर्च डाल देंगे, 1 कप पानी डाल देंगे और इसको गैस पर हाई फ्लेम पर रख देते हैं और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि मिर्च में नमक आ जाए अंदर से। और इसको ढक देंगे हम 4 से 5 मिनट तक। हम इसे बनाएंगे ताकि मिर्च हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने यहाँ 2 बॉयल आलू लिए हैं। इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ी सी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम अच्छे से मैशर से अच्छे से मैश कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से मैश करके अपने मसाले आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। इधर हमारी मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं पानी से। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें आलू की फिलिंग अपनी फिल कर देते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से लेंगे हाथों में और मिर्च को इस तरह से फैलाते हुए हम इसमें फिल कर देंगे। इसमें बिल्कुल अच्छे से हम लोग फिल करेंगे, अच्छे से टाइट से, बिल्कुल हमें पूरे मिर्च में इसको फिल करना अच्छे से। इस तरह से दबाते हुए हम मिर्च को बंद कर देंगे। इस तरह से हम सारे मिर्च को तैयार कर लेंगे। इसको इस तरह से अच्छे से दबाएंगे ताकि अच्छे से आलू इसमें कोट हो जाए। देखिए हम सारी मिर्च को रेडी कर लेते हैं फिलिंग भरकर। और यहाँ हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1/2 कप बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लाल मिर्च ऑप्शनल है। इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमारा ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स करते हुए ऐसा बैटर तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला। अब हम इसमें कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया। ये देखिए अब हम इस तरह से मिर्च को डाल देंगे बेसन में और उसको अच्छे से कोट कर लेंगे और स्पून की हेल्प से इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरह से हम सारी मिर्च को बेसन में पहले कोट करेंगे और इसमें हम तेल में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और करारे पकौड़े हमारे बनेंगे। अब सारी मिर्च हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए हमारे मिर्च अच्छे से एक तरफ से सिक गए हैं। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन एक कलर आ गया है। हम सारे मिर्चों को फ्राई करके पलट लेते हैं अच्छे से। हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। हम इसे एक प्लेट पर बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारे पकौड़े खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही करारे और क्रिस्पी पकौड़े बनकर हमारे रेडी हुए हैं। ये देखिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।